14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाली जानकारियों का दौर इसके तुरंत बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन 18 फरवरी को यह खबर आई कि करीब 12 घंटे तक चले मुठभेड़ के बाद सेना को सफलता मिली है और आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मारे गए, जिसमें पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कामरान उर्फ अब्दुल रसीद गाजी भी शामिल था। इस खबर को दिखाते हुए लगभग हर एक मीडिया संगठन ने अब्दुल गाजी की एक तस्वीर भी प्रसारित की, जिसमें इंडिया टुडे, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टीवी, आउटलुक और टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार राजशेखर झा के अलावा और भी कई मीडिया संगठन शामिल हैं। सबसे पहले इस तस्वीर का इस्तेमाल इंडिया टुडे ने 16 फरवरी को अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में किया था। यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल रसीद गाजी पर था। दिस इज बिग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडिया टुडे यू आर सीइंग इमेजेस ऑफ द मास्टरमाइंड द अफगान आईईडी एक्सपर्ट हु इज बिलीव्ड टू हैव ट्रेन्ड अहमद दार हु एग्जीक्यूटेड this terror attack. These are the first pictures sent to us from Srinagar by our bureau chief there, Ashraf Wani. इन सभी मीडिया संगठनों द्वारा उपयोग की गई आतंकवादी की तस्वीर पर सबसे पहले एक ट्विटर यूजर ने संदेह प्रकट किया। उन्होंने बतलाया कि अब्दुल रसीद गाजी का चेहरा अमेरिका के मशहूर पॉप गायक जॉन बॉन जोबी के बॉडी पर लगा दिया गया है। इसके बाद ऑल्ट न्यूज ने इन दोनों तस्वीरों की पड़ताल की। आतंकी से तुलना करते हुए तस्वीर की रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें जॉन बॉन जोवी की कई तस्वीरें मिली जो मीडिया संगठनों द्वारा उपयोग किए गए आतंकी से मिल रही थी। इतना ही नहीं, इसी ड्रेस में और एक तस्वीर हमें मिली जिसमें लिखा गया है कि यह व्यक्ति ब्राज़ील का सिक्योरिटी गार्ड है। इसी ड्रेस में इस व्यक्ति की और भी कई तस्वीरें हैं। मीडिया संगठनों ने जिस तस्वीर का उपयोग किया था और इंटरनेट पर उपलब्ध तस्वीर को साइड बाय साइड एक साथ रखने पर कई समानताएं देखी जा सकती है, जैसे बायां हाथ और उस पर पहनी घड़ी, दाहिना हाथ, सूट में लगा बैज वगैरह वगैरह। एक जैसे ही सूट में कई लोगों के तस्वीर मिलने पर ऑल्ट न्यूज़ ने इसकी आगे पड़ताल की, जिससे हमें अमेज़न पर एक ऐप मिला जिसका नाम पुलिस सूट फोटो फ्रेम मेकर है। इस एप्लीकेशन पर जो टैम्पलेट्स हैं वो हूबहू उस आतंकी गाजी और ऑनलाइन मिलने वाली तस्वीरों से मेल खाते हैं। आतंकी अब्दुल रसीद गाजी का चेहरा इस टैम्पलेट्स पर सुपर इम्पोज किया गया है, जैसा कि साफ देखा जा सकता है। यहाँ यह हैरान करने वाली बात है कि मीडिया संगठनों ने इतनी बड़ी खबर को चलाने से पहले इस तस्वीर की प्रामाणिकता की जाँच नहीं की और इस तरह फोटो सॉफ्टवेयर के जरिए बनाई गई तस्वीर का इस्तेमाल मारे गए आतंकवादी अब्दुल रसीद गाजी को दिखाने के लिए किया गया। इंडिया टीवी ने इससे पहले अब्दुल गाजी का लोकेशन ट्रेस होने की खबर को रिपोर्ट करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर का इस्तेमाल किया जिसकी मौत 2007 में ही हो गई थी। दरअसल उनसे यह गलती दोनों आतंकी के नाम में समानता की वजह से हुई थी। फिर भी एक प्रतिष्ठित मीडिया संगठन से यह गलती भारी भूल कहलाएगी। बाद में इंडिया टीवी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और आर्टिकल अपडेट कर लिया। हालांकि अब कई मीडिया संगठनों ने रिपोर्ट में प्रकाशित पुलवामा आतंकवादी की फोटोशॉप तस्वीर को बदल दी है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस भारी चूक पर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है। धन्यवाद।